नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नया टॉपिक काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य गुण पढ़ा था, ठीक उसके विपरीत काव्य दोष होता है। गुण में हमने पढ़ा था कि वो उत्कर्ष करता है, रस को उत्कर्ष यानी बढ़ाना, और ये रस को अपकर्ष यानी घटाएगा, कम करेगा, उसमें कुछ कमी कर देगा। तो उसी के बारे में जानते हैं। देखिए यहां बताया गया, किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी प्रकार की कमी होना उसका दोष होता है। कोई व्यक्ति होता है, कोई वस्तु होती है, अगर उसके पर कमी है तो वो उसका दोष है। अब उसी प्रकार समझिए, इसी प्रकार किसी काव्य में भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो वह काव्य दोष माना जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य में कमी है तो हम कह सकते हैं इसमें ये खोट है, इसमें ये कमी है, ये अवगुण है। कोई वस्तु हो उसमें कोई कमी रह जाती है तो हम इसमें कह सकते हैं इसमें दोष है। उसी प्रकार काव्य की ही बात है, अगर काव्य में भी किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो वो काव्य दोष कहलाता है। ये तो हमने अर्थ पढ़ा है। परिभाषा यहाँ पर दो विद्वानों की पढ़ेंगे, एक साहित्य दर्पण का, यानी जो साहित्य दर्पण लिखी थी, किसने लिखी थी? विश्वनाथ ने। तो विश्वनाथ जी कहते हैं रसापकर्ष का, रसापकर्ष का दोष, यानी रसों को नष्ट करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। यानी रस अपकर्ष वो उत्कर्ष थी, गुण था वो उत्कर्ष और ये अपकर्ष। इतना ध्यान रखना है कि वो गुण है उत्कर्ष बढ़ाने वाले और दोष अपकर्ष। तो रसों को नष्ट करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये दोष कहलाते हैं। ये विश्वनाथ जी कहते हैं। विश्वनाथ जी के अनुसार जो रस उत्कर्ष का दोषा, यानी जो रस को अपकर्ष करता है, रस को नष्ट करते हैं, वे तत्व दोष कहलाते हैं। दूसरे विद्वान है मम्मट, इन्होंने लिखी थी काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का आचार्य मम्मट के अनुसार देखते हैं मुख्य अर्थ हटी रह दोषा। इनका कहना है काव्य के जो मुख्य अर्थ होता है उसको नष्ट करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। जो मुख्य अर्थ है उसको नष्ट कर देते हैं, उसमें कुछ कमी कर देते हैं। काव्य के यानी जो काव्य दोष है, इन काव्य दोष की बात कर रहे हैं, तो इस काव्य दोष के भेद मुख्यतः तीन माने, तीन श्रेणियों में बांटा है। इन तीन श्रेणियों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इनके नाम देखते हैं कौन कौन से हैं, फिर इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला है शब्द दोष, इसका दूसरा नाम है पद दोष। नाम से पता चलता है शब्द, अगर कोई शब्द संबंधी कोई दोष होगा तो वो इसमें आएगा। फिर है वाक्य दोष, जिसे दूसरा नाम देते हैं रस दोष। ध्यान रखना, अगर वाक्य दोष पूछे या रस दोष एक ही बात है, वाक्य से नाम से बताए को वाक्य में गलती होगी, गड़बड़ होगी, आगे पीछे कर्म कर सकते हैं, या कुछ वाक्य में कुछ अशुद्ध रह सकता है, कुछ कमी रह सकती है। तीसरा अर्थ दोष, से नाम से पता चलता है उसके अर्थ बड़े ही कठिनाई से निकलेंगे या सीधा अर्थ नहीं देंगे, थोड़ा टेढ़ा होगा, या कोई अलग वाक्य, कोई जो वेद है, पुराण है, या कोई ग्रंथ है, उनके अनुसार उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो अर्थ से संबंधित समस्या अर्थ दोष में, शब्द से संबंधित जो समस्या है वो शब्द दोष में, और वाक्य से संबंधित जो समस्या होगी वो वाक्य दोष में आएगी। ठीक है, देखिए पहले हम शब्द दोष के बारे में जानेंगे, जिसे पद दोष भी कहते हैं। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किसी शब्द या पद के प्रयोग को शब्द दोष या पद दोष कहा जाता है। यानी व्याकरण के नियम होते हैं, कब क्या आना चाहिए, उस नियमों के अनुसार चलना चाहिए। व्याकरण के नियमों के विरुद्ध आ गया, कुछ गलत आ गया, तो वहां पर शब्द दोष आएगा। अर्थात जब किसी काव्य में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है तो वहां शब्द दोष या पद दोष माना जाता है। पद का मतलब है जिसमें ये शब्द आ गया, इसी को पद कहते हैं। पदक्रम आपने अनिवार्य में पढ़ रखा है, तो पद भी बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं। अब इस उदाहरण से हम देखेंगे कैसे व्याकरण संबंधी अशुद्धि रहती है, और व्याकरण संबंधी अशुद्धि अगर शब्द नहीं है तो फिर वो शब्द दोष कहलाएगा। अब इस पंक्ति को पढ़ते हैं, कुमुदिनी खिल गया बाल रवि को देखी। अब यहां हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इस शब्द में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होती है,
तो यहां पर खिल गई होती, लेकिन यहां पे क्या कर दिया कवि ने, खिल गया। तो यहां पर जो शब्द दोष पाया गया है, पद दोष पाया गया है, बाल रवि को देखकर, मतलब सूर्य को देखकर फूल खिलते हैं, तो यहां पर किसी फूल विशेष का नाम आ गया है कुमुदिनी, वो स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग होने के कारण यहां पर गई आना चाहिए था, तो इस शब्द में व्याकरण संबंधी दोष, लिंग संबंधी दोष है, क्रिया के अनुसार यहाँ पर स्त्रीलिंग के क्रिया नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पुलिंग क्रिया भी, तो यहाँ पर ये शब्द दोष पाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या दोष है, शब्द दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया ही है उसमें स्त्री संबंधी दोष होना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं है, यहाँ पुलिंग कर दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ व्याकरण संबंधी अशुद्धि हुई है। व्याकरण में अगर अशुद्धि मिले कहाँ, शब्द में, तब यहाँ पर शब्द दोष होगा। अब देखिए वाक्य दोष या रस दोष कहते हैं, जिसे वाक्य की रचना में पाया जाने वाला दोष वाक्य दोष होगा। सीधी सी बात है, वाक्य में मिल रहा है तो वाक्य दोष, मैंने आपको पहले बता दिया था, शब्द में पाया जाने वाला दोष शब्द दोष होगा, वाक्य में पाया जाने वाला दोष वाक्य दोष होगा, अर्थ में पाया जाने वाला दोष वो अर्थ दोष होगा। यहां पर देखिए, जब किसी कार्य में क्रम भंग संबंधी कोई त्रुटि हो, यानी क्रम से नहीं आए, जो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आए, क्रम से नहीं आए, तब वहां पर क्या होता है, वो वाक्य थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वाक्य में अशुद्धियां रह जाती है, तो वो वाक्य दोष या रस दोष कहलाता है। देखिए इस उदाहरण के माध्यम से, अमानुषी भूमि ए वानरों को, रावण जब राम, आपको पता है लंका के पास में आ जाते हैं, तो यहाँ रावण अहंकार के साथ में बोलता है कि अमानुषी भूमि ए वानरों को, मैं इस भूमि को, मैं आपका दोस्त कहते ये भूमि, यह कहना चाहता है कि अमानुषी भूमि, तो अमानों को कि ये भूमि है वो मनुष्य से रहित कर दूंगा, बंदरों से रहित कर दूंगा। तो यहाँ इसका वो कहना चाहता है कि मैं इस धरती को बंदरों से और मनुष्य से, या मनुष्य और बंदरों से मुक्त कर दूंगा या रहित कर दूंगा। लेकिन इस पंक्ति का अर्थ क्या लेते हैं कि जो अमानुष्य भूमि है, यानी मानव से जो रहित भूमि है, वो बंदरों से रहित कर दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ आया है, वो आया है वाक्य का, क्योंकि भूमि पहले आनी चाहिए कि भूमि को करेगा वो अमानुषी और अमानव। फिर कह रहे हैं अर्थ दोष, अगर किसी काव्य रचना में अर्थ संबंधित तो कोई भी दोष पाया जाता है, अर्थ से संबंधित कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो वो इस अर्थ दोष में पाया जाएगा। सामान्यतः जब किसी वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहां पर अर्थ दोष माना जाता है। यहाँ पे देखिए बांधो, जल निधि, नीर निधि, जल भी, सिंधु, वारिश, सत्य तोय निधि, कंपति, पयोधी, नदीश। अब एक है इनके अर्थ, आप इनके एक ही अर्थ पाओगे और वो है सागर। इतने सारे क्रियाविशेषण देते हैं, जल निधि को भी तो सागर कहते हैं, नीर निधि को भी सागर कहते हैं, जल को भी सागर कहते हैं, सिंधु को भी सागर कहते हैं, वर्ष को भी सागर कहते हैं, तोय निधि को भी सागर कहते हैं, कपती को, व्योधि को, नरीश को, इनका अर्थ सागर है। वो तो यही तो कहना चाहते हैं कि सागर को बांध दिया, लेकिन ये अनावश्यक शब्द दे दिए गए। इस पंक्ति में इतने सारे अनावश्यक शब्द आए हैं, तो इसके कारण ये अर्थ दोष है, क्योंकि अर्थ तो एक ही तो था, इतने सारे देने का कोई तुक नहीं था, कोई पर्याय नहीं था, लेकिन यहाँ पर कवि ने यहाँ पर इतने सारे शब्द दे दिए जिनका एक अर्थ था, अर्थ संबंधी दोष है यहाँ पर, क्योंकि एक अर्थ देते तो सागर लिख देता, कोई सा भी एक क्रियावाच लिख देता तो अर्थ तो ही आता, लेकिन इतने सारे देने के कारण यहाँ पर ये दोष पाया है। ठीक है, अब हम प्रमुख जो काव्य दोष है, उन प्रमुख काव्य दोषों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें पहला है श्रुति कटुत्व दोष। अब नाम देखिए, श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, और कटुत्व, कटुत्व का अर्थ होता है कड़वा, अर्थात वे शब्द जो सुनने में कड़वे लगे। सीधी सी बात है, नाम से पता चल जाएगा कि इसमें क्या दोष है,
तो श्रुति कटु तो मतलब जो सुनने में कड़वे लगे या कठोर लगे। अब देखिए जो सब सुनने में अप्रिय लगते हैं, कठोर प्रतीत होते हैं, वहां श्रुति कटु के दोष माना जाता है। उदाहरण से देखते हैं, भर्त्सना से गीत हो है बाल तब चुप हो है। अब यहां ये जो शब्द है ये बोलने में सुनने में दोनों ही तरह से कड़वा लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो यहां पर ये शब्द जो भर्त्सना है ये अपने आप में श्रुति कटुत्व दोष है। फिर देखिए, कवि के कठिन तर करण की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। ये जो शब्द आए दृष्टता, विश्वोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, बोलने में भी कठिन है और सुनने में भी कठिन है, कड़वे लगते हैं, यानी ये आसानी से नहीं बोले जाते हैं। जो आसानी से नहीं बोले जा रहे हैं या कठिन लग रहे हैं या बोलने में कठिन, क्योंकि तो यहाँ पर तो पता होगा कठोर वर्ण आते हैं कैवल, ये जो कैवल है वो कठोर वर्णों में आता है, और कैवल से कोई भी शब्द बन रहा है तो वो अपने आप यहाँ पर फिर श्रुति कटुत्व में आएगा। दूसरा दोष देखिए, ग्रामर का दोष। यहाँ नाम से पता चलता है, जैसे यहाँ पर नाम पता चल रहा है श्रुति कटुत्व में जो सुनने में कठोर लगे कड़वा लगे, वैसे यहाँ ग्रामर में दोष, यानी जो ग्रामीण शब्द है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो साहित्यिक भाषा है हिंदी भाषा है उसमें हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कुछ ठेठ जो शब्द है ग्रामीण शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिनके कारण वहां पर ग्रामर दोष माना जाता है। देखो काव्य प्राय साहित्यिक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु जब कवि के द्वारा काव्य में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है वहां ग्रामर दोष माना जाता है। ग्रामीण बोलचाल के शब्द जो यूज करते हैं वो अगर इस काव्य में प्रयोग कर ले तो फिर वो ग्रामीण ग्रामर दोष कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, मुन पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल, ये मूड जो होता है स्थिर, लेकिन यहाँ वो मूड कह दिए, तो मूड कहने मूड मुड़े कबीरदास जी ने भी कहा मूड मुड़े हैं मिले, तो वही वैसे यहाँ पर यहाँ मूड शब्द है और वो ग्रामीण शब्द है, हिंदी में उसको सिर पर होता था, लेकिन यहाँ ग्रामीण शब्द दे दिया इसीलिए यहाँ पर ग्रामीण दोष है। कैसे कहते हैं उस द्वार पर फिर से कभी ना हो, नहीं पता है द्वार होता है, द्वार होता है द्वार, शुद्ध शब्द ये है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने द्वार लिख दिया क्योंकि ग्रामीण बोलचाल द्वार बोला जाता है ग्रामीण बोलचाल, जिसके कारण यहाँ पर ग्रामर दोष आया है। तो देखिए दो दिए हैं, अच्छी तरह समझिए, एक एक जो शब्दों पर गौर कीजिए, अगर आपने शब्दों पर गौर कर लिया तो एकदम आसान है, इतने कठिन नहीं है। तो यहां देखिए श्रुति कटित है, मैं फिर बताता हूं, श्रुति का अर्थ होता है सुनना और कटुत्व होता है जो सुनने में कड़वा लगे कठोर लगे, और जो टैवर से संबंधित हो आप ज्यादा इतना बताने लगे, तो जो टैवर से संबंधित हो शब्द तो वहां श्रुति कटित दोष होगा। फिर आप बोल के भी देख सकते हैं, जो पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा ये तो पढ़ने में ही कठिन है वो सुनने में कड़वा लगेगा, तो वो अपने आप श्रुति कटित होगा। जैसे इसमें उदाहरण दिया है भर्त्सना, इसमें दिया है दृष्टता, इसमें दिया है विश्वोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, ये जो शब्द है बोलने में कठिन लगते हैं कड़वे लगते हैं, और दूसरे में ग्रामर दोष यानी इसमें ग्रामीण शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा दोष क्लिष्ट काव्य दोष पढ़ते हैं, जहां किसी काव्य का अर्थ सहज ही समझ में नहीं आता, आसानी से समझ में नहीं आता ऐसे, अभी तो बड़ी कठिनाई से उसका अर्थ तो ज्ञात किया जा सकता है, बहुत तो समय लगता है कठिनाई लगती है, वहां क्लिष्टत्व है दोष माना जाता है। फिर देखिए ध्यान से, जब किसी काव्य में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर, एक शब्द से काम नहीं चलेगा, अब अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर अर्थात एक दूसरे से जोड़कर कोई अर्थ प्रकट होता है, वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है।
ये उदाहरण से हम अच्छी तरह समझेंगे कि क्या बात कहना चाहते हैं। क्लिष्ट शब्द ही बताता है कठिनाई, तो कठिनाई से जो हम कहते हैं ना बहुत ही मुश्किल से निकले, वो दोष यहां होता है क्लिष्ट का दोष। अब उदाहरण से देखिए, हेम सुता, हेम हिमालय, सुता मतलब पार्वती, जो हिमालय की पुत्री कौन है, पार्वती, और पार्वती का पति कौन है, शिव, शिव का वाहन कौन है, बैल, बैल का क्या कह दिया है, मूर्ख। तो यहां अपने पति को डायरेक्ट नहीं कह रही है, थोड़ा सा शब्द धुआं फिरा के कह रही है, तो सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते, थोड़ा सा कह सकते हैं शब्दों के द्वारा कहा गया है। तो इसका अर्थ बड़ा कठिनाई से है, पहले हम हेम सुता का अर्थ निकालते हैं, पार्वती आते हैं, फिर हेम सुता का पति यानी शिव, फिर उनके वाहन बेल, यानी बेल का अर्थ क्या लिया है, मूर्ख। तो अपने पति को मूर्ख कहना है, लेकिन वो सीधा नहीं कहकर थोड़ा सा इन शब्दों के जाल में फंसा कर कहती है। तो यहाँ का क्या कहा गया है कि हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इसमें रखना, फिर यानी कहना मतलब है कि जो पार्वती की जो पति है शिव, उनके जो वाहन जो नंदी बेल है, बेल का अर्थ होता है मूर्ख, तो वो यहाँ इसका अर्थ मेरी है, इसे तुम व्रति भी कहनी है कि तुम मूर्ख हो, बात समझते नहीं हो। फिर यहाँ पर दूसरा देखिए, इस पंक्ति में भी थोड़ा सा अर्थ सीधा नहीं आता, कहना क्या चाहते हैं, सीधा राय की बात नहीं कही, लंकापुरी पति, लंकापुरी मतलब लंका का जो राजा है, पति है रावण का जो भ्राता भाई, यानी यहाँ किस भाई की बात की गई है, जो कुंभकर्ण है उन कुंभकर्ण की बात की गई है, कुंभकर्ण रावण का जो भाई है कुंभकर्ण, तासु प्रिया नहीं आती, उनकी जो प्रिया है कुंभकर्ण को सबसे अधिक प्रिय क्या लगती थी, नींद। तो बात यह कहना चाहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रहे, वो इन शब्दों के जाल में जा रहे हैं, और शब्द का अर्थ हमें बड़े ही कठिनाई से निकलेगा, क्योंकि पहले तो लंकापुरी का पति कौन है, रावण, उसका भाई कौन है, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे या यूनिवर्सल हो सकते हैं कुंभकर्ण, तो उसकी तो प्रिया, तो हम यहाँ अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि जो कुंभकर्ण की जो सबसे ज्यादा प्रिय नींद थी, तो वो नींद मुझे नहीं आ रही है, तो इतना ही कहना चाहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ इस शब्दों को थोड़ा सा कठिनाई से इसका अर्थ निकाला गया है, नींद तक पहुंचने के लिए हमें कई शब्दों का सहारा लेना पड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पर मूर्ख प्रयोग करना है, लेकिन कई शब्दों का प्रयोग किया है, यहाँ कहा गया अनेक शब्दों को आपस में मिला, एक शब्द से काम नहीं चलेगा, अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए यहां समझ में आ गया होगा, अर्थ बड़ी कठिनाई से निकलता है, अप्रतीत है दोष, प्रतीत ही नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, यानी सामने नहीं आता अर्थ। तो देखिए कभी अपने कार्य में लोक प्रसिद्ध अर्थ में शब्द का उपयोग नहीं करता है, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ जो सीधा कह सकते हैं शब्दकोश के अनुसार जो अर्थ होता है उसके अनुसार उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, किसके अनुसार कर रहा है, किसी अन्य शास्त्रीय अर्थ में, वो किसी अन्य शास्त्रीय अर्थ में इसका प्रयोग करेगा, ध्यान रखना है किसी अन्य शास्त्र में इसका प्रयोग करता हुआ वहां एफर्टिव के दोष माना जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रयोग सीधा अर्थ नहीं लेता, वो किसी और लोक प्रसिद्ध ग्रंथ का, किसी शास्त्रीय ग्रंथ का प्रयोग करेगा। यहाँ देखिए उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं, विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देती है, तो यहाँ जब पहली बार पढ़ेंगे तो मेरे के लिए जहर, विस्मय का अर्थ होता है जहर, जो जहर का यानी जहरीला जो गोदावरी का जल है वो अमृत का कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर जो जहर है भाई यहाँ अर्थ साधारण अर्थ क्या लेंगे, साधारण अर्थ लेंगे जहर कि वो अमृत कैसे दे सकते हैं, गोदावरी का जो जल है वो जहर है तो अमृत कैसे दे सकते हैं, लेकिन यहाँ वो इसका अर्थ क्या ले रहा है, जल, जहर नहीं ले रहा है, वो ले रहा है जल, वो शास्त्रीय ग्रंथ के अनुसार इसका विस्मय का जो है वो जल ले रहा है, तो गोदावरी का जो जल है वो अमृत समान फल देता है, तो यहाँ शास्त्रीय ग्रंथ के अनुसार इसका अर्थ निकला है। फिर यहाँ पे देखिए पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुगा,
किदार देंगे तो हमें लगेगा कि पुत्र के जन्म के समय बहुत सारी गायों का स्पर्श किया, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो इनका रट ले रहे दान। ये शास्त्रीय ज्ञान है, स्पर्श का शास्त्रीय ज्ञान है कि इसमें दान का अर्थ आएगा। सीधा अर्थ स्पर्श मतलब छूना होता है, लेकिन यहाँ पर छूना नहीं होगा, इसका अर्थ होगा दान की उसने अपने पुत्र के जन्म उत्सव के समय बहुत सारी गायों का दान किया। ठीक है, ठीक है। पांचवा दोष अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है उसमें क्रम से नहीं पाया जाएगा। देखिए वाक्य रचना की दृष्टि से क्रम भंग पाया जाता है, वहां अकर्मत्व दोष होता है। अर्थात वाक्य में शब्द का प्रयोग जहां होना चाहिए वहां नहीं होकर कहीं अन्यत्र होता है, यानी जो नियम के अनुसार जहां पर प्रयोग होना चाहिए वहां तो नहीं होगा, तो उसकी जगह कहीं और होगा, तो वहां क्या होगा, अकर्मत्व दोष माना जाएगा। देखिए यहां लाज राखो पति राधा मेरी, यहां पता है मेरे कि राधा पति आना चाहिए, लेकिन क्या आ गया, पति राधा। श्री कृष्ण से कहा जा रहा है कि भी लाज रखिए नहीं, लेकिन यहां शब्द क्या दे दिया, पति राधा, शब्द को हेर कर दे दिया, राधा पति होना चाहिए लेकिन क्या कर दिया, पति राधा। फिर यहां पे देखिए ये जो भूमि है वो पहले आना चाहिए, यहां क्या कर दिया, अमानुषी भूमि अमानुष, यानी रावण ये कह रहा है इसका अर्थ निकालेंगे तब तो ये आएगा कि जो ये भूमि में मनुष्य से रहित भूमि बंदरों से रहित कर दूंगा, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि इस धरती को मैं मनुष्य रहित और बंदरों रहित करूंगा, यानी मनुष्य और बंदरों रहित कर दूंगा, सीधा साधा कह रहा है, लेकिन अर्थ यहाँ इस भूमि के आने के कारण थोड़ा सा अलग हो गया, इसीलिए इस शब्द को कवर होना चाहिए था, वो हेर कर क्रम थोड़ा सा अलग होने के कारण यहाँ इसमें दोष है। ध्यान रखना यहाँ जहाँ आना चाहिए वहां ना आकर अन्य जगह आया है, अन्यत्र आया है, तो वो दोष होगा अकर्मत्व दोष। और इसमें क्या होगा, दुष्कर्मत्व यही, ये तो दोष ही गलत होगा, क्रम वहां पर है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा गया, लेकिन यहां तो वो बात ही खारिज कर दी जाएगी। देखिए जब किसी बात को क्रमबद्ध, यानी इस बात की बात कर रहे हैं, इसमें वो सब था, लेकिन यहां तो बात क्रमबद्ध नहीं कहे जाता, तो वहां दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है, बात क्रम से कहनी होती है लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार जो बात पहले कही जाती जानी चाहिए उसे बाद में कहा जाता है, यानी लोक मान्यता के अनुसार जो बात है वो सिस्टमेटिक हिसाब से होना चाहिए, पहले कहनी चाहिए वो पहले कहनी चाहिए, और जो बाद में कहनी चाहिए वो बाद में कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है जो बात पहले कही जानी चाहिए उसे बाद में कहा जाता है, और जो बाद में कही जाने वाली है उस बात को पहले कह दिया जाता है, यानी बात को यह कर दिया जाता है। यहाँ देखिए उदाहरण से थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे, नर्मोक कह लीजिए अथवा मत भजेंगे। अब यहाँ राजा से कुछ मांगा जा रहा है, और पहले मांगा जा रहा है घोड़ा, और उसके बाद मांगा जा रहा है हाथी, ये तो नियम ही नहीं है, क्योंकि पहले हम कोई बड़ी चीज मांगते हैं, अगर वो नहीं मिले तो हम थोड़ी छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो सिस्टम उल्टा कर रहा है, ये कह रहा है कि घोड़ा दे दीजिए, घोड़ा नहीं देते हो ना तो आप मुझे हाथी दे दीजिए, जैसे हम घर वालों से कहते हैं कि 5 रुपए दे दो, अगर 5 नहीं है तो 10 दे दो, लेकिन ये थोड़ी होता है, क्योंकि हम पहले बड़ी चीज मांगते हैं कि 20 रुपया, जरा 20 कौन दे, तो फिर 10 दे दो, 10 ही कौन दे, 5 दे दो, कहना मतलब है हम छोटे क्रम में घटते हुए क्रम में चलेंगे, लेकिन यहाँ वो क्रम बिगाड़ दिया, पहले बड़ी छोटी चीज मांगी फिर उससे बड़ी चीज मांगी जाएगी। इस दूसरे में देखिए मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग न जाए, अब वेग देखिए हनुमान जी लंका जाते हैं तो कितनी स्पीड से जाते हैं, मारुत मतलब पवन देवता, पवन का वेग मन, मन का वेग, और खगराज गरुड़ पक्षी का वेग लजा दिया था, लेकिन यहां देखिए क्रम क्या आ गया, सबसे तेज
मन होता है जो हवा से भी तेज होता है, लेकिन यहां कहां दे दिया, इसको बीच में दे दिया, उसके बाद में दे दिया खग को। क्या खग का थोड़ा तेज है इतना? नहीं, गरुड़ का इतना थोड़ा तेज है? मन से तेज तो कोई नहीं, कि हम मन से तो हम इंद्र लोक में जा सकते हैं, हम किसी भी लोक में जा सकते हैं, तो जरूरत नहीं है पलक झपकते ही, लेकिन क्या ये जा सकते हैं? इसीलिए पहले आना चाहिए था खगराज, फिर मन और फिर मन, तो ये यहां आना चाहिए था। इसके कारण इसको क्रम को थोड़ा सा हेर फेर कर दिया गया है। क्रम को हेर फेर करने का ये वाक्य जो था वो वाक्य पहले कहना चाहिए था, वो बाद में कहा गया है कि हनुमान जी ने पवन देवता को, फिर मन को और फिर गरुड़ का वेग को लजाया है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इस सब पहले होना चाहिए। तो ये दोष इसमें पाए जाते हैं। आज हमने प्रमुख दोषों के बारे में चर्चा की है। आज दोष का जो टॉपिक है पूरा हो गया है, यानी जो प्रमुख प्रमुख दोष है वो छह है, उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। धन्यवाद।